चोर की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला बता सकते हैं? ये 16-17 तारीख को इंदिरानगर थाने में एक चोरी हुई थी। उसी चोरी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी टीमें थी वो लगी हुई थी इन्वेस्टिगेशन में। उसमें सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी दिखाई दी थी, उसी गाड़ी की तलाश में रात्रि चेकिंग में और दिन की चेकिंग में हमने अलग अलग टीमें लगाई हुई थी। उसी के अनुक्रम में एक मुखबिर ने सूचना दी कि पानी गांव के पास एक वैसी ही गाड़ी देखी गई है। वहां जाकर के हमारी टीम ने जब चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति मिला, आकाश। एक दूसरा व्यक्ति जो इसके साथ था वो वहाँ से मौके से फरार हो गया था। तो इसके पास से जो चोरी गया सामान है उसकी एक बड़ी अमाउंट रिकवर हुई है, तकरीबन 3.25 लाख के करीब कैश और ज्वेलरी और महंगे बर्तन प्राप्त हुआ है। सही, चोरी को कैसे अंजाम देता था, अकेला था या इसके साथ गिरोह में और भी लोग शामिल थे? ये एक गैंग का हिस्सा है, ये लोग मिलजुल करके चोरी करते थे। एक व्यक्ति और भागा है, आगे की तफ्तीश जारी है कि और इसमें कितने लोग थे। अभी तक हमारे सामने जो तथ्य हैं उसमें दो लोग क्लियर हैं, एक व्यक्ति हमारी गिरफ्त में है, एक व्यक्ति अभी फरार है, उसको जल्दी पकड़ लिया जाए। इसने कबूल किया है कि 4 जगह चोरियाँ इसने की है इंदिरानगर थाना क्षेत्र में, और बाकी पूछताछ जब दूसरे व्यक्ति को हम पकड़ लेंगे जो कि शीघ्र ही होगा तो उससे पूछताछ में बाकी तथ्य सामने आएंगे। सर, आपराधिक प्रयास की बात करें तो अब तक कितने इसके मुकदमे दर्ज हैं, कितने सालों से ये काम कर रहा है? इसको अभी इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं जो खुले हैं, 4 मुकदमों के कि इसने कबूला है कि इसने चोरी की है। कुल कितनी चीज़ें बरामद हुई है, कितना पैसा, क्या क्या बरामद हुआ इसके पास? इसमें 2,75,900 रुपये, एक फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी J7 और इसके साथ ही कुछ महंगे आभूषण जो आप यहाँ देख पा रहे हैं और कुछ सफ़ेद धातु के बर्तन और एक मारुति जन जिससे ये सारी घटनाएं कारित करता था जो कि फुटेज में भी देखी गई थी। चोरी करे पैसों का क्या करते थे? और ये यूज़ करते थे ये तमंचा आप देख पा रहे हैं, इस वो भी इसके पास से मिला है, तो ये डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स हैं।